बिल्कुल फ्रेंड्स, बात करेंगे फोलिक एसिड टेस्टिंग की। बात करेंगे ऐसे लोग जिनमें खून की कमी होती है, उनमें यह कराया जाता है कि फोलिक एसिड की जांच करा लिया जाए ब्लड में, तो इसके यूज की नॉर्मल वैल्यू की, येलो लेवल हो गया है, कम हो गया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, कितने में होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो फोलिक एसिड टेस्ट में क्या करते हैं कि आपके ब्लड में सीरम में फोलिक एसिड की मात्रा देखी जाती है कि कितनी हो गई है। फोलिक एसिड क्या एक तरह का विटामिन है जिसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो मतलब ये B12 विटामिन से डिफरेंट है। कई सारे लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये B12 है, नहीं ये अलग है, B9 ऐसा बोलते हैं। तो इसके अगर रोल की बात करें फोलिक एसिड में, तो हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये को एंजाइम जैसा काम करता है, इसलिए तीन इसका मेन रोल है। RBC सिंथेसिस में, DNA सिंथेसिस में, और जब गर्भावस्था के दौरान जो बेबी पल रहा होता है तो उसके डेवलपमेंट में, इसलिए जो इनिशियल का फेज होता है उस समय इसका बड़ा रोल होता है। इसलिए अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो खून की कमी हो जाती है और शरीर में दूसरे भी समस्याएं हो सकती हैं। तो किन लोगों के लिए रिकमेंड करा जाता है अगर फोलिक एसिड टेस्ट की बात करें, तो ऐसे लोग जिनको खून की कमी हो गई, स्पेशली खून की कमी इस तरह की जिसमें जो CVC की जांच है उसमें MCV बढ़ा हुआ है, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में कराया जाता है ये देखने के लिए कि जो हाई MCV है, खून की कमी है, कि फोलिक एसिड की वजह से हो रही है, कि विटामिन B12 की डिफिशेंसी की वजह से हो रही है, किसी और वजह से हो रही है, जैसे कि लीवर की समस्या या थायराइड की समस्या में भी MCV बढ़ा रहता है और साथ में खून की कमी रहती है। और दूसरा यूज इसका ये है कि ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उन केसेस में भी कराया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो इनिशियल की 1-1.5 महीने आपके शरीर में जो बेबी डेवलप होता है उस समय फोलिक एसिड आपके शरीर में काफ़ी मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो बच्चे के अंदर एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करके हम लोग बीमारी बोलते हैं वो हो जाती है। और तीसरा एक यूज ये है कि काफ़ी सारे लोगों को इनिशियली में ही अगर इसी को एनीमिया के लक्षण आ रहे हैं, खून की कमी हो रही है, उस कंडीशन में ही फोलिक एसिड है, B12 है, आयरन है, इसकी मात्रा शुरू में लिख दी जाती है ताकि बिल्कुल पता रहे कि किस कारण से ये खून की कमी हो रही है। बहरहाल टेस्टिंग की बात करें, प्रिपरेशन की, तो खून में होने वाली जाँच है सीरम में से होती है, जिसमें सीरम में फोलिक एसिड का लेवल देख लिया जाता है। इसके अलावा जो RBC होता है उसके अंदर भी फोलिक एसिड या फोलेट का लेवल देख सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल फोलेट लेवल भी एक जांच होती है जो कि ज़्यादा अच्छे से फोलिक एसिड की मात्रा बताती है आपके शरीर में, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव पैरामीटर। बहरहाल सीरम में और RBC के अंदर फोलिक एसिड को देखना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको फास्टिंग सैंपल देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है चूंकि खून की कमी के लिए कराई जाती है, तो और भी अलग अलग तरह के टेस्ट हैं वो रिकमेंड करे जाएंगे, और ये थोड़ा सा महंगा जांच है, अराउंड ये ₹1000 की या ₹900 के आसपास आपको होगी। अब अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि फोलिक एसिड ब्लड में कितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो 3.1 से 20.5 नैनोग्राम पर ml, मतलब इतनी रेंज में होती है। नॉर्मली इसकी मात्रा कमी होती है, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा कि ये फोलिक एसिड का लेवल बढ़ जाए। फोलिक एसिड का लेवल बढ़ना कोई बहुत कॉमन बात नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट बात भी नहीं है। तो अगर फोलिक एसिड की मात्रा किसी की कम हो जाए, 3 से नीचे आ जाए, तो क्या कारण हो सकता है? एक तो जैसा कि बताया कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, RBC का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, खून की कमी हो रही है और RBC का साइज भी बड़ा हो रहा है, तब फोलिक एसिड की कमी होती है। किसी को फोलिक एसिड खाने में नहीं मिल रहा है, किसी के फोलिक एसिड शरीर में इसलिए नहीं जा रहा है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या पेट के अंदर कई तरह की बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स है, डिजीज है, सीलिएक डिजीज है, इस तरह की, या किसी का पेट के अंदर ऑपरेशन हुआ है वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है, या एक हीमोलिटिक एनीमिया होती है जिसमें RBC जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं, जल्दी जल्दी नष्ट होने से फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रोनिक एल्कोहल पीते, शराब पीते, उन कंडीशन में कम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड बढ़ जाती है तब कम हो सकती है, और कुछ दवाइयाँ हैं, एक फिनिटोइन है, लीवर की बीमारी है, तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन है जिसमें ये फोलिक एसिड की मात्रा कम हो सकती है। वैसे इंडिया में बात करें तो ऐसा कम होता है कि फोलिक एसिड कम हो, क्योंकि ये जिस खाने में मिलता है हम लोग आसानी से हमें मिल जाता है, हम लोग काफ़ी खाते भी हैं, फिर भी कम हो सकते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी काफ़ी कामन है, फोलिक एसिड की उतनी कामन नहीं है, फिर भी कामन हो सकती है। ये तो लो की बात हो गई कि इन कंडीशन में लो हो जाते हैं। हाई की बात करें तो ये चूँकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आप ज़्यादा खाओगे तो ये पेशाब के रास्ते निकल जाता है, ऐसा कमी होता है कि हाई वैल्यू मिले, लेकिन अगर इसी को बढ़ा हुआ मिलता है और खून की कमी भी मिलती है तो एक विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने का संकेत हो सकता है, तो उस जांच को भी करवा लेना चाहिए। इसलिए फोलिक एसिड की मात्रा जब भी करवाई जाएगी तो आप ये समझो कि ज़्यादातर बार विटामिन B12 का लेवल भी करवाया जाता है। बहरहाल किसी को अगर कम मिल गई है तो इसको कैसे इंक्रीज करें, फोलिक एसिड की मात्रा शरीर में कैसे बढ़ाएं? सबसे अच्छा रास्ता है दवाइयों का। दवाई आती है उसको कुछ दिन आप खाएंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे खानों में भी फोलिक एसिड बहुत है।
बहुत तरह के जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनमें फोलिक एसिड बहुत होता है, तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले आप, उससे ये ठीक हो जाएगा। और अब आखिरी में थोड़ी सी बात करते हैं, फोलिक एसिड को विटामिन B12 दोनों की डिफिशियंसी है, कैसे इसको अलग करें, कैसे पहचानें। होता क्या है कि चाहे फोलिक एसिड की कमी हो जाए, चाहे विटामिन B12 की कमी हो जाए, जब खून की कमी होती है तो उसमें मैक्रोसिटिक RBC, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, RBC का साइज बढ़ जाता है। तो इसको कैसे पता करें, तो इसके लिए दो जाँचें हैं, एक यूरिन में है, यूरिन मिथाइल मेलोनिक एसिड, इसकी मात्रा कराएंगे। जो फोलिक एसिड की डिफिशियंसी रहती है उसमें ये नॉर्मल रहता है, और विटामिन B12 की कमी में इसका लेवल बढ़ जाता है। और एक दूसरी जांच है जो सीरम में होती है, ब्लड में होती है, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन का लेवल फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में बढ़ा हुआ रहता है। तो विटामिन B12 के कारण ये खून की कमी है या फोलिक एसिड के कारण खून की कमी है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इन दोनों का लेवल ही ब्लड में देख लिया जाए, और एक दूसरा तरीका है कि होमोसिस्टीन का लेवल देख लिया जाए, तो उससे भी ये हमें पता चल जाएगा। बहरहाल ये फोलिक एसिड जांच के बारे में जानकारी थी कि नॉर्मली अगर ये कम हो जाए तो उसका क्या मतलब है, नॉर्मल कितना होता है, कितने में होता है, ये सब बातें हमने इस वीडियो में जानी। धन्यवाद।